हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके जो है अभी भी उसके साथ डिफ़िकल्टीज है। तो वी स्टार्ट विद मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, तो देखिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के जो देर आर सेवरल मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जैसे फ़ायदा क्या है, क्लैरिटी। पहले हम इसको आपको बता देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है, क्लैरिटी। सेकेंड आप लीजिए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। थर्ड जो मेरिट है इसका वो है ईजियर टेस्टिंग, easier testing। fourth है fixed style। fifth है maintenance। maintenance और next है इसका redesign। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इस मतलब कि प्रोग्रामिंग को हम अगर हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हैव ए क्लैरिटी एंड लॉजिकल पैटर्न टू दियर कंट्रोल स्ट्रक्चर। दिस प्रूव्स एज एन एडेड मेरिट थ्रू आउट डिज़ाइन प्रोसेस। मतलब कि इसमें एक हमको क्लियर कट एक स्ट्रक्चर पता होता है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा था कि हमें मालूम है कि वहाँ पे कौन से तीन स्ट्रक्चर, लॉजिक स्ट्रक्चर हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वो था आपका जो है क्या नाम से रेपिटिशन था, ठीक है, कंडीशन था और पहला था आपका सीक्वेंस। तो हमें मालूम है कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर में हमको प्रोग्राम डेवलप करना है, तो इसमें क्लैरिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है। अब आप आ जाइए सेकंड पे, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लैरिटी एंड ऑल्सो अदर फैक्टर्स, प्रोग्रामर हु स्ट्रक्चरल टेक्निक शोज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी। चूँकि इसमें क्या होता है कि क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी की वजह से हमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमको जो है हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट मिलने से फ़ायदा क्या होता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक से थर्ड आ जाइए ईजियर टेस्टिंग। ईजियर टेस्टिंग मतलब क्या हो गया, चूँकि प्रोग्राम अभी जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि क्लैरिटी की वजह से क्या होता है कि प्रोग्राम की टेस्टिंग करना आसान हो जाता है। इट इज़ वेरी इजियर टू टेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें प्रोग्राम्स क्या होता है, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में लिखा होता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए अगर प्रोग्राम में कहीं कोई एरर आ रही है तो उसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि इस पार्ट में एरर आ रही है या इसमें आ रही है या इसमें आ रही है, तो इसकी टेस्टिंग करना आसान रहता है। अब आ जाइए फोर्थ, फिक्स स्टाइल। फिक्स स्टाइल में क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हेल्प्स टू लिमिट द कोडिंग टू ए फ्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड डिज़ाइन अप्रोच। दिस एड्स डिज़ाइनर इन अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन। फिक्स स्टाइल मतलब कि इसमें कुछ सर्टेन स्टाइल जो डिज़ाइंस हैं वो फिक्स होते हैं और हमको प्रोग्राम को उसी हिसाब से डेवलप करना रहता है। अपने मन से हम उसमें ना कुछ बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं, तो एक ही एडवांटेज हो गया फिक्स स्टाइल का। अब नेक्स्ट आप आ जाइए मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है कि मॉड्यूलर अप्रोच एंड लेजिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रूव्स टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन फाइंडिंग एन एरर एंड रीडिजाइनिंग ऑफेंडिंग सेक्शन ऑफ कोड। तो मेंटेनेंस में हमें ये फ़ायदा रहता है कि चूंकि प्रोग्राम हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, उसकी वजह से क्या रहता है कि हमें उसको एरर कहाँ पे है, मतलब डिटेक्शन ऑफ एरर काफ़ी आसान हो जाता है उसमें, और डिटेक्शन ऑफ एरर जब आसान हो जाता है तो उसको फिर
हम रीडिज़ाइन उसको फिर हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं आसानी से, ठीक। और रीडिज़ाइन में आप आ जाइए तो यही इस स्टेप से जो हमें डिटेक्शन ऑफ एरर मिल गया है तो हमें मालूम है कि प्रोग्राम के इस पार्ट में, ठीक है, यहाँ इन लाइनों में गड़बड़ है तो हम उसको सही कर सकते हैं। या हमने कहा कोई बड़ा प्रोग्राम है मान लीजिए से इस तरह, हमने कहा इन लाइनों के बाद गड़बड़ है तो हम यहाँ पे इसको सही कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स हो गए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के, क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी, ईजियर टेस्टिंग, फिक्स स्टाइल, मेंटेनेंस एंड रीडिज़ाइन। तो इन सारी एडवांटेजेस की वजह से स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है। अब इसके अब सेकेंड उस पर आइए कि देखिए एडवांटेजेस तो है ही है, लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी चीज़, कोई भी मेथड, कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें सब एडवांटेज ही एडवांटेज हो या मेरिट्स ही मेरिट्स हो। अगर मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होंगे। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में अभी भी क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं या कि क्या डिमेरिट्स रह गए हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कैसे दूर कर सकते हैं ये तो बात की बात है, पहले हम ये बात करते हैं कि अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में अभी भी फेस की जा रही है। तो हमने लिखा डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग्स के क्या डिमेरिट्स हैं। तो सबसे पहला तो लिखिए आप, पहला डिमेरिट क्या है, स्लो रनिंग टाइम, स्लो रनिंग टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लो रनिंग टाइम ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्लोअर एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स एंड स्लो एग्जिटिंग ऑफ सच प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स में जो हम लॉजिक कंस्ट्रक्ट्स यूज करते हैं, जो हम लॉजिक कंस्ट्रक्ट्स, वही जो आपको सीक्वेंस और आपका कंडीशन और रेपिटेशन, ये तीनों जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये लॉजिक कंस्ट्रक्ट जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इनका जो एग्जीक्यूशन होता है स्लो होता है, ठीक है, पहली चीज। और एग्जीक्यूशन भी स्लो होता है एंड इनमें प्रोग्राम से बाहर अगर हमें निकलना है तो एग्जिटिंग ऑफ प्रोग्राम ये भी जो है स्लो होता है, ठीक है। तो इस वजह से हालांकि इसको हम अगर केयर करें कायदे से तो इस चीज़ को दूर किया जा सकता है, लेकिन एक ये प्रॉब्लम रहती है स्लो रनिंग टाइम की स्ट्रक्चर प्रोग्राम के साथ। सेकेंड आप आ जाइए, सेकेंड क्या है, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड। इसमें मेमोरी स्पेस की, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्राम रिक्वायर सम वॉट मोर मेमोरी देन द नॉन स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो है नॉन स्ट्रक्चर प्रोग्राम के कंपैरिजन में ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है इनको, ठीक। अब थर्ड आप आ जाइए, थर्ड है रिलक्टेंस टू न्यू टेक्निक्स, ठीक है। नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने में इन प्रोग्राम्स को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमने लिखा है रिलक्टेंस टू न्यू टेक्निक, क्योंकि मेनी प्रोग्रामर्स शो रिलक्टेंस टू लर्न एंड यूज टेक्निक। दिस इज चेंजिंग बिकॉज एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हैव मेड यूजर्स टू अटेम्प्ट दिस टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि कई प्रोग्रामर हैं जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो जो कई प्रोग्रामर जो है इस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज़ करने में रिलक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारे अपना जिस हिसाब से हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं हम उस हिसाब से सही है, तो इस न्यू टेक्निक को डेवलप करने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं। तो ये हो गया तीसरा डिसएडवांटेज की रिलक्टेंस टू न्यू टेक्निक। मतलब कई प्रोग्रामर जो बोलते हैं अरे स्ट्रक्चर वर्ड नहीं, हम जैसे डेवलप करते हैं प्रोग्राम अपने हिसाब से वैसे ही करेंगे, ठीक। तो ये एक और प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रक्चर प्रोग्राम के सामने। अब फोर्थ आप आ जाइए, फोर्थ जो डिमेरिट्स है इसका वो क्या है, नॉन स्ट्रक्चर्ड
लैंग्वेजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ जो प्रेजेंट इस समय जो कुछ लैंग्वेज अवेलेबल है, सम प्रेजेंट ए लैंग्वेज स्टिल डू नॉट हैव ऑल कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स नीडेड फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। मतलब आज की डेट में भी इन प्रेजेंट डे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा, और जबकि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर ज़रूरी है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनमें ये अभी प्रेजेंट नहीं है। तो ये बेसिकली ये चार जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस समय स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। इसको हमने बारी बारी से आपको बता दिया कि पहला जो है स्लो रनिंग टाइम है, दूसरा ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तीसरा ये हो गया कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो इस नई टेक्निक को अडॉप्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें प्रोग्राम डेवलप करना है, मान लीजिए आजकल की ही लैंग्वेज में करना है, भाई लेटेस्ट से लेटेस्ट लैंग्वेज ही आदमी यूज़ करता है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, और जबकि बगैर कंट्रोल स्ट्रक्चर के आप स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं डेवलप कर सकते। तो ये चार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको दूर करने के लिए फिर क्या किया गया, एक और नई तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक डेवलप की गई, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।